ये प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट इक्वेशन की प्रॉब्लम है जिसमें मल्टीपल पुलीज हैं, मल्टीपल मासेस हैं, और इसके अंदर आपको रिलेशन निकालना है A1, A2, A3, A4 का, और ये लास्ट ईयर मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो जब मैंने पेपर दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए मेंस के, तो उसमें एक क्वेश्चन था एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। और अगर आप एक्चुअल मेथड से करेंगे बहुत लंबा है, M1G, M2G, M3G, M4G, और अब समझ नहीं आएगा कि, और इतने ही क्वेश्चन बना के खुद फंस जाएंगे, आंसर नहीं आएगा, आ भी जाएगा तो इतने में पेपर निकल जाएगा पूरे का पूरा। तो ये सिर्फ 30 सेकेंड का क्वेश्चन है, इससे ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है। शॉर्टकट टू कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन A1, A2, A3, A4, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसमें ड्रॉ करनी है टेंशंस। टेंशंस कैसे, जैसे यहां पर सपोज करो टेंशन है टी एंड टी, सबसे नीचे से स्टार्ट करना है, ऊपर जाना है प्लीज, ठीक। तो यहां पे थ्रस्ट ऑन दी पुली क्या लगेगी, 2T, 2T एंड 2T। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, 2T एंड 2T, क्योंकि यहां पे इस सेक्शन पे जो टेंशन होती है वही सेक्शन से डबल लगती है 2T, और अगर ये 2T तो ये 2T, अगर ये 2T है ना, तो इस केस में अगर ये टेंशन की वैल्यू 2T एंड 2T कुछ ऐसे लगी, ठीक, कुछ ऐसे लगी, तो यहां पे टेंशन क्या लगेगी, 40 एंड 40, इसकी भी डबल हो जाएगी वैल्यू 40 एंड 40। अब यहां पर अगर 40 40, तो यहां पर भी 40 एंड 40। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो टेंशन्स आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी ऐसे, राइट, समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है यहां तक। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, एक रूल है इस टाइप की प्रॉब्लम में, समेशन टेंशन वेक्टर डॉट एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू 0। टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट का समेशन 0 होगा। ठीक है, तो टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर यहां तक क्लियर है। अब ये क्यों किया मैंने, आप इसमें अगर इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे ना कि ये एक्सेलरेशन एक्चुअल में अगर एक्चुअल किया जाए तो ऐसा होगा, ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये मान लो नीचे और ये ऊपर आ रहा है, और ये नीचे और ये ऊपर आ रहा है, लेकिन मैंने क्या ड्रॉ किया, सभी एक्सेलरेशन एक तरफ ड्रॉ कर दी। तो आपने भी इसमें ऐसे करा, इसमें ना ये नहीं देखना होता कौन कहां जा रहा है, आपने सिंपल रूल लगाना है, सभी की एक्सेलरेशन आपने नीचे ड्रॉ कर देनी है, बात खत्म हो गई, कर लिया आपने यहां तक। आप कहेंगे फिर से फायदा क्या हुआ, देखो इसमें आपको ये तो शो करना ही नहीं ना कि कौन कहां जा रहा है, आपको तो सिर्फ रिलेशन निकालना है एक्सेलरेशन का और A1, A2, A3 और A4 का, दैट्स इट। और ये रूल क्यों लगाया, टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का समेशन इक्वल टू 0। देखो ध्यान से देखना, आप कोई भी एक ब्लॉक ले लें, एक ब्लॉक ले, मान लो ये ब्लॉक ले लें, इस ब्लॉक के इमीडिएटली ऊपर टेंशन कितनी है, 40, और ब्लॉक की एक्सेलरेशन कहां लिया आपने, वेक्टर नीचे, ये सारे नीचे लेना है। अब 40 टेंशन एक फोर्स है, तो ये फोर्स ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो बोलो फोर्स और एक्सेलरेशन में एंगल क्या है, 180। तो जब मैं इसे ओपन करूंगा तो टी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 180, कॉस 180 क्या होता है, -1, राइट। अब आप अगर इस पूरे रूल को हर मास के लिए लगाएं तो ये रूल किसके लिए लगेगा, फॉर ऑल मासेस। तो लगा के देखें, जब आप ब्लॉक नंबर 1 पे लगाएंगे तो 40 ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो -40 into A1, क्योंकि कॉस 180 तो इसमें -1 ही होगा, तो 40 into A1 इंटू कॉस 180, क्योंकि टेंशन ऊपर और एक्सेलरेशन तो नीचे ही है, तो ये फर्स्ट टर्म आ गई। फिर सेकेंड टर्म के लगाए, सेकेंड टर्म पे टेंशन कहां पर है, ऊपर 2T, और एक्सेलरेशन कितनी है इसकी, A2, नेगेटिव साइन तो आएगा ही आएगा, बिकॉज कॉस 180 क्या है इसमें, -1, ये भी क्लियर है। थर्ड मास के लिए, तीसरे मास पे टेंशन क्या है, टी, और एक्सेलरेशन क्या है, A3। लास्ट मास के लिए टेंशन क्या है, टी, और एक्सेलरेशन क्या है, A4, इक्वल टू 0, समेशन इक्वल टू 0। तो यहां से
टेंशन 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 कैंसल, 4a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इक्वल टू 0, ये ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, बात खत्म। हाँ हाँ, 2a2 माइनस 2a2 सॉरी, तो ये ऑप्शन यहाँ से करेक्शन कर लेना, तो यहाँ पर क्या आएगा 4a1 माइनस, तो 0 के साथ कट गया ना, तो प्लस ही आएगा, प्लस 2 टाइम्स a2 प्लस a3 प्लस a4 इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन मार्क करेंगे।